दोस्तों, बच्चों का सुपर हीरो बालवीर वापस आ चुका है अपनी एक शॉर्ट फिल्म के साथ, और वो भी एक बिल्कुल नए अवतार में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बालवीर के फैंस के लिए ये एक काफी अच्छी खबर है। तो क्या है बालवीर की इस शॉर्ट फिल्म का नाम और किस बारे में है ये, और आप कैसे देख सकते हो ये फिल्म, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो देखते रहिए दोस्तों ये पूरी वीडियो। और हाँ, अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे है सब्सक्राइब का बटन, उसे जरूर प्रेस कर दे और उसके साथ वाली बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बालवीर यानी के एक्टर देव जोशी वापस आ चुके हैं अपनी एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है देश ऑनलाइन है। तो किस बारे में है ये शॉर्ट फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये शॉर्ट फिल्म है सोशल मीडिया के बारे में और सोशल मीडिया का लोग कैसे ओवर यूज, ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, ये शॉर्ट फिल्म में आपको बालवीर के ही एक्टर अमन कोटक भी दिख जाएंगे क्योंकि देव जोशी और अमन कोटक ने मिलकर ही ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म का मेन मकसद ये है कि ये बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे लोग सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, सब कुछ भूलकर सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं 24 आवर्स। तो बेसिकली इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। तो दोस्तों, आप ये फिल्म कैसे देख सकते हैं? दोस्तों, ये फिल्म आप इजीली यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां पर क्लिक करके ये शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं। अगर आप बालवीर के फैन हैं और वेट कर रहे थे कि देव जोशी कब उन्हें दोबारा से अपने दर्शन दें, तो ये फिल्म आप देख सकते हैं जिसका नाम है देश ऑनलाइन है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे है सब्सक्राइब का बटन और उसके साथ है बेल आइकन। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।